चार प्रकार का संयम हमारे जीवन में होना ही चाहिए। एक तो अर्थ संयम, माने अपना व्यक्तिगत खर्च कम से कम हो। दूसरा विचार संयम, फालतू बातें न सोचें, फालतू कल्पनाएं न करें। तीसरा है समय संयम, अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। और चौथा है ऐन्द्रिक संयम, अपनी इंद्रियों की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको बचाएं। डैम बांध देते हैं ना नदी पर, देखा होता है डैम पानी रोक देते हैं, तो वो पानी कितना काम आता है। उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनकी जो शक्ति है, हम उसको खर्च न करें फालतू, उसका डैम बांधें, तो ये ऊर्जा, ये शक्ति बहुत काम आएगी। ये नींव है, नींव। इमारत ऊंची हो पर नींव मजबूत हो तभी ऊंची रहेगी, मुद्दतों तक टिकी रहेगी। पर नींव मजबूत नहीं होगी तो इमारत गिर जाएगी। जरा सा बाढ़ का पानी आया कि इमारत गिर गई, जरा सा भूकंप आया इमारत गिर गई। तो नींव मजबूत होनी चाहिए। तो ये विद्यार्थी अवस्था है ना, अभी ये उम्र है अपनी नींव को मजबूत बनाने की। इसमें सजाग रहना है। सजाग रहना माने ये पक्का कर लेना कि मुझे दुनियावी भोगों से सुख नहीं चाहिए। ये तो प्लास्टिक के फूल हैं, इनसे सुगंध क्या आएगी? बोलो विद्यार्थी, प्लास्टिक के फूल से खुशबू आएगी? नहीं आएगी। सल्फास की गोली चूसने से मजा आएगा कि सजा आएगी, मर जाएगा आदमी? ऐसे ये दुनिया का है सब, फिल्म देखना, घूमना फिरना, ये सल्फास की गोली चूसने जैसा है। एक बूढ़ा आदमी एक संत के पास गया, बोला मेरा जवान बेटा आपके पास आया है, आपसे दीक्षा लेकर साधु बन गया है, तो आप उसको समझाओ, ये उसकी उम्र नहीं है साधु बनने की, उसके खाने पीने की उम्र है, मौज करने की उम्र है, घूमने फिरने की उम्र है, तो आप उसको समझाओ वो घर आ जाए, यहाँ नहीं रहे। तो संत ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले उसकी उम्र नहीं हुई, आपकी उम्र तो हो गई है, आप रह जाओ। उसकी उम्र नहीं है, आपकी उम्र, आप 60 को पार कर गए हो, तो आप रह जाओ, आप भजन करो, आप साधना करो। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है एक पानी का, पानी का बुलबुला नष्ट होने में देर कितनी लगती है? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो ये कहानी पढ़ते थे एक, उसका ये सार था, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और नेवले को रख कर गई माँ पानी भरने के लिए, बच्चे को सुलाकर, तो पीछे से आया एक सांप, बच्चे को काटने जा रहा था, तो नेवले ने सांप को मार डाला, तो नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। और माँ पानी भर के आई तो उसने सोचा कि शायद नेवले ने मेरे बेटे को मार कर खा लिया, तो माँ ने मटका जो था, घड़ा जो था, वो नेवले के ऊपर दे मारा, तो नेवला मर गया। बाद में उसने देखा कि सांप मरा हुआ पड़ा है, मतलब सांप मेरे बेटे को काटने आया था, तो नेवले ने मेरे बेटे को सांप से बचाया था, अब मैंने बिना विचारे नेवले को मार दिया। तो फिर वो कहावत, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, हमेशा विचार के, दूरदर्शिता। एक कछुआ था, कछुआ, कछुए ने गरुड़ को कहा कि मेरे को भी तुम्हारी तरह आसमान में उड़ने की बहुत इच्छा होती है, मैं भी उड़ू। तो गरुड़ ने कहा कि तुम नभचर नहीं हो, तुम थलचर हो, जलचर भी हो, हम नभचर हैं, हम उड़ सकते हैं, तुम नहीं उड़ सकोगे। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम एक काम करो, मेरे को अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़ के ऊपर आसमान में ले चलो, और फिर ऊपर जाके मेरे को छोड़ देना। फिर ऊपर जाने के बाद तो ऐसा ही करना है ना, वो तो मैं भी कर दूंगा, हाथ पांव हिला दूंगा। अब कछुए को गरुड़ ने उठाया, ऊपर ले गया, फिर कहा कि अब भी सोच ले दोस्त, मैं तुझे ज़मीन पर छोड़ के आ जाऊँ। बोले नहीं नहीं, अब क्या सोचना, अब तो तू छोड़ दे, देख मैं भी पंख अपने हाथ पांव हिलाऊंगा, उड़ूंगा। गरुड़ ने छोड़ दिया तो क्या हुआ होगा, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए।
एक आदमी को आलू वड़ा बहुत अच्छा लगता था। किसी के यहाँ पार्टी का आमंत्रण मिलता, बोलते आलू बड़े बनाओगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो लोग बोलते हाँ भाई आप आना, हम बनाएंगे। तो एक दिन पार्टी में गया, देखा आलू बड़े बने हुए पड़े हैं, बहुत बढ़िया है। आओ देखा न ताओ, बिना विचारे आलू बड़ा उठाया और झट से मुंह में डाल दिया, पर था एकदम गरम गरम गरम। आ हा, मुंह जल गया, जीभ जल गई, पर अब निकाले कैसे? इज्जत का सवाल है। लोग बोलेंगे देखो लालची लोभी, जरा सा भी धीरज नहीं है। पूरा डाल दिया, पूरा, थोड़ा भी नहीं, पूरा डाल दिया। अब गरम गरम और तीखा निगल तो गया, पर आंख से आंसू आ गए। तो पास वाले ने पूछा क्या बात है, शादी में आए हो और आंख से आंसू बहा रहे हो क्यों? बोले ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है। बोले कैसे? बोले आज मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई, मेरे पिताजी को भी ऐसे आलू बड़े बहुत अच्छे लगते थे, पिता की याद आ गई। अच्छा, तो बोला मतलब इतने बढ़िया बने हैं? बोले हाँ। तो उसने भी आओ देखा ना ताओ, दूसरे ने उठाया और मुंह में धर दिया। तो आ हा, गरम गरम गरम, मुंह जल गया, जीभ जल गई, पर अब निकालूं कैसे, इज्जत का सवाल है। तो इसने भी निगल लिया, पर आँख से पानी आ गया, आंसू आ गए। तो इसने पूछा पहले वाले ने, क्यों आपको भी आपके पिताजी की याद आ गई क्या? बोले नहीं, मेरे को आपके पिताजी की याद आई कि वो क्यों मर गए, तू क्यों नहीं मरा? दूसरों को परेशान करने वाला तू मर जाता, तू क्यों नहीं मरा? तो बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। किसी ने हमारा अपकार किया तो हम उसका उपकार करें। अगर वो ज्यादा हमारा अपकार करता है तो हम शांत बैठकर प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान उसके अंदर भी, हम कहें हे प्रभु आप ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता, प्रभु क्षमा करें, हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करें नाथ, ऐसा प्यार से मन में बोले, फिर देखो क्या होता है, उसका स्वभाव भी आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। फिर भी वो नहीं करता है अगर अच्छा स्वभाव, तो अपन अपना खराब न करें। कोई दिल जलाता है तो हमें अपना दिल जलाने की जरूरत नहीं, हमें अपना दिल भक्ति से भरा हुआ रखने की जरूरत है। आप देखो विभीषण का अपमान हुआ, भरी सभा में रावण ने लात मार दी, अपमान किया, परंतु विभीषण दुखी नहीं हुए। विभीषण ने घोषणा कर दी भरी सभा में, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तेरी, मैं जायो रघुवीर शरण, मैं भगवान की शरण जा रहा हूँ। अपमान हुआ तो बदला लेने की भावना नहीं थी, भगवान की याद आ गई कि चलो अब भगवान के तरफ चलते हैं। सोने की लंका का त्याग कर दिया। ध्रुव का अपमान हुआ तो ईश्वर की ओर चल पड़े, बदला लेने की भावना नहीं थी। अपमान कईयों का होता है, पर कितने लोग चल पाते हैं? कभी अपमान हो ना हमारा आपका, तो उस समय देखना सोचना कि क्या होता है मन में। कभी कोई कुछ कह दे तो उस समय देखना अंदर में क्या होता है, बड़ी साधना है। भगवत गीता का दूसरा अध्याय और 40वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें भगवान ने कहा है, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी समता रूपी धर्म का पालन करो, ओ, महान भय से रक्षा हो जाती है। थोड़ा सा भी, शत प्रतिशत नहीं तो जितनी रख पाए रखें, बदला नहीं। पति पत्नी गए आगरा, आगरा है ना उत्तर प्रदेश में, मथुरा आगरा, आगरा गए, ताजमहल देखा। पत्नी ने कहा देखो देखो, एक वो भी था अपनी पत्नी की याद में कितना आलीशान महल बना के गया, आप मेरे लिए क्या करोगे? पति को पूछा तो पति क्या बोलता है, बोले तू पहले मर तो जा, बाद में देखा जाएगा। उसने मरने के बाद बनवाया था। अब पत्नी ने मन में ठान लिया कि मैं बदला लेके रहूँगी। एक दो साल के बाद वो गोवा गए, गोवा घूमने के लिए जाते हैं कई लोग, गोवा गए।
बहिर्मुखता होती है ना, तो बाहर से इधर घूमने जाऊं मजा आए, उधर घूमने जाऊं मजा आए, इधर घूमने जाऊं मजा आए। तो गोवा में एक जगह उन्होंने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति देखी क्रॉस पे लटके हुए। तो ये पत्नी ने क्या किया कि जीसस की जो वो मूर्ति थी क्रॉस पे लटके हुए, उसके पैर छुए, पैर छू के ऐसा किया जैसा लोग करते हैं। तो पति ने कहा कि इतने साल हो गए शादी को, तूने आज तक मेरे पैर नहीं छुए, मैं तेरा पति हूँ, इसके पैर छू रही है तू? तो पत्नी क्या बोलती, याद आ गया उसको आगरे के ताजमहल का प्रसंग। पत्नी ने कहा पहले आप मर तो जाओ, बाद में देखा जाएगा। ये मर चुका है ना जीसस, तो क्रॉस पे लटक गया, पहले आप भी ऐसे लटक के दिखाओ तो मैं पैर छूलूंगी। ये बदले की भावना, इससे क्या होगा? मैं तो आपके चरणों में प्रार्थना करूं दो हाथ जोड़ के कि आपके घर में अगर बापूजी के सत्संग की कोई कैसेट या साहित्य न हो ना, तो सत्संग के बाद साहित्य या कैसेट जो आपको अनुकूल पड़े वो ले जाना जरूर। साहित्य जो है ना सत्संग का, वो जागृत देवता है। लोकमान्य तिलक जी को कौन नहीं जानता? लोकमान्य तिलक जी की शादी तय हो गई तो लड़की वालों ने पूछवाया कि दहेज में क्या लोगे? तिलक जी ने कहा कि दहेज में केवल ब्रह्मज्ञानी संत का साहित्य मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए, बस किसी सच्चे संत की पुस्तकें, उनके सत्संग की मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे देश का हर जवान लड़का अगर ऐसी कोई मांग रखे तो गरीब कुटुंबों की कन्याएं दुखी ना हो, पीड़ित ना हो। और कोई भले कन्या गरीब कुटुंब की है पर सदाचारिणी है, वो शादी करके आपके घर आएगी तो मानो आपके घर लक्ष्मी आ गई। दैवी संपदा को देखना चाहिए, दैवी संपदा। लोग रुपयों की संपदा देखते हैं, बस रुपए कितने मिलेंगे दहेज में, ज्वेलरी कितनी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, नहीं, दैवी संपदा को देखो। कन्या दैवी संपदा से संपन्न है, मानो लक्ष्मी है लक्ष्मी। एक लड़की की शादी हुई, मुझे मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, अपने समिति में आगरा समिति में सेवा करते हैं सज्जन, उनका नाम हर नारायण गर्ग है। उनकी बेटी की शादी हुई, एक साल बीता तो बेटी के सास ससुर वो आए मिलने के लिए लड़की के पिता के पास। तो वो लड़के वाले लड़की के पिता के पैर छूने लगे। होता तो उल्टा है वैसे व्यवहार में, पर लड़के वाले लड़के के पिताजी लड़की के पिता के पैर छूने लगे। अरे बोले आप ये क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बेटी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, जब से हमारे घर पे आई, एक साल हुआ बराबर आज शादी को, एक साल में हमारा व्यापार दुगना हो गया, 25 लाख से 50 लाख तक पहुँच गया एक साल में। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो बापूजी से दीक्षा ली हुई है, रोज जप करती थी, यहाँ थी कुंवारी थी तब भी सदाचार भरा जीवन जीती थी, कोई लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं, कोई फिल्में देखना नहीं, कोई आवारागर्दी करना नहीं, सदाचारी जीवन था उसका। ये दैवी संपदा थी, तो दैवी संपदा संपन्न जहाँ होगा वहाँ सुख शांति समृद्धि बढ़ती जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां दुख का निदान। एक आदमी मूर्तियां बेच रहा था, बच्चे सुन रहे हैं ना सब, मूर्तियां बेच रहा था। एक ग्राहक आया, बोले भाई साहब ये गणेश जी की मूर्ति कितने की दोगे? 25 रुपए की। अच्छा ये पास में सरस्वती माता की मूर्ति कितने की? ये भी 25 रुपए की। अच्छा ये पीछे जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है वो कितने की दोगे? तो बेचने वाले ने कहा भाई साहब गणेश जी और सरस्वती जी की मूर्ति ले लो तो लक्ष्मी जी की मूर्ति मुफ्त में मिल जाएगी, भेंट। अब बात बड़ी पते की है, गणेश माना विवेक, सरस्वती माना सद्बुद्धि सद्विद्या, ये दो जीवन में है तो संपत्ति लक्ष्मी बिना बुलाए आएगी आएगी और आएगी। और संपत्ति आएगी तो मद नहीं आएगा, अभिमान नहीं होगा। संपत्ति तो रावण के पास भी थी पर अहंकारी खूब था। तो ये खास बात है।
सुमति, सुमति का अंश विकसित हो। तुलसीदास जी कहते हैं, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। श्रुति वेदों का सिद्धांत जिसने अच्छी तरह से समझा है, जिसने अपना जीवन वेदों के अनुसार बनाया, वेदोक्त जीवन। भागवत जी में तो एक जगह ऐसा लिखा है, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण कहते हैं, न आचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेंद्रिय। जिसका आचरण वेदोक्त नहीं है वो अज्ञ है, अजितेंद्रिय है, उसका विनाश होगा। पूज्य बापू की माँ, उन्होंने वेद पढ़े नहीं थे पर जीवन वेदोक्त था। कई लोग वेद पढ़ते हैं पर जीवन वेदोक्त नहीं होता।